नमस्कार, मैं अदीब मोहसिन। कोरोना एक ऐसा मर्ज जिससे आज पूरी दुनिया सकते में है, ऐसे में आम जनमानस के मन में तमाम तरह के सवाल उमड़ रहे हैं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं। इन तमाम अफवाहों और गलतफहमियों को दूर करने के लिए, सच्चाइयों को जानने के लिए आज सीधी बात में हमारे साथ मौजूद हैं होम्योपैथ एवं योग के जाने माने विशेषज्ञ एवं आईटीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर देवचंद कुशवाहा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर सबसे पहले तो ये कोरोना काल, भय का माहौल जी, लोगों में नकारात्मकता, निगेटिविटी और सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पे सिर्फ मौत की खबरें जी, तो कहीं ना कहीं ये निगेटिविटी जो है लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। कैसे बता जाए, आपकी क्या राय है, क्या हमारी दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? नैयर जी, मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा, जो आजकल का दौर चल रहा है इसमें अगर हम खुश भी हैं जी, तो सोशल मीडिया या हमारे नजदीकी के लोग जी हमारे पास नकारात्मक विचार परोस देते हैं जी, और वो नकारात्मक विचार, वो नकारात्मक खबरें वो हमारे दिमाग में चलती हैं और दिमाग में चलने के साथ हमारे साथ जो है कि नकारात्मक विचार खुद उत्पन्न होने लगते हैं और उससे हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कमजोर होती है जी, और फिर हम बीमार पड़ सकते हैं। और इसमें ये देखें तो कोरोना से ज्यादा जानलेवा तो कोरोना का डर है जी, बिल्कुल सही कहा सर। और कोरोना का डर ऐसा हो जा रहा है जिसकी वजह से हम थोड़ी ही सिम्टम्स में बीमार पड़ जाते हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे थोड़ा सा बीमार क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई, हम अस्पताल में भर्ती हुए और वो डिप्रेशन का लेवल बढ़ता जाता है और उसके बाद हम गहन चिकित्सा में पहुंच जाते हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर कोरोना की जंग जीतनी है जी, तो हमें जो कोरोना का डर है उसको अपनी ताकत बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें अपने अंदर सकारात्मक विचार पढ़ने पड़ेंगे और सकारात्मक विचार जब हमारे अंदर आएगा तो हमारे अंदर नई एक ऊर्जा का संचलन होगा और हम जो निगेटिविटी बाहर चल रही है उससे बच पाएंगे। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि आजकल सीजन का दौर है और लोगों में वायरल बुखार, सर्दी, जुखाम देखने को मिल रहे हैं, लोग सहम जा रहे हैं, डर जा रहे हैं और जिसके कारण वो तमाम तरह के अंग्रेजी दवाइयों का लगातार सेवन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है इसका साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है अंग्रेजी दवाइयों के अधिक सेवन से। इसमें होम्योपैथ में इसका क्या, कितना कारगर है इलाज? कि जो आजकल सर्दी, जुखाम, बुखार की जो वायरल हो रहे हैं इससे तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है और होम्योपैथ इसमें बहुत ही कारगर है। अगर प्रारंभिक दिनों से ही, जिस दिन आपको सर्दी, जुखाम, बुखार के लक्षण दिखाई देते हैं उसी दिन से अगर आप होम्योपैथ की दवाओं का सेवन करते हैं तो इससे आप पूर्णतः निजात भी मिल जाएगी और आपकी इम्यून सिस्टम भी जो है कि मजबूत होगा। और जो होम्योपैथ दवाएं हैं या होम्योपैथ का जो सिद्धांत है इसमें हम लक्षण का ट्रीटमेंट तो करते ही हैं, लक्षण का उपचार करते हैं, साथ में जो है कि उसकी जो जड़ है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, जिसकी वजह से लक्षण आ रहे हैं, हम उसकी चिकित्सा करते हैं ताकि जो है कि वो जड़ से खत्म हो जाए और निजात मिल जाए। इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो जुकाम बुखार होता है इसमें इसको सामान्य ना लीजिए। इसको होने के बाद तुरंत इसका जो है कि होम्योपैथ मेडिसिन शुरू करिए और इसे अगर सामान्य लेते हैं तो आगे आपकी दिक्कत भी बढ़ सकती है। जी सर, सोशल मीडिया पे इस वक्त जो है कि तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो होम्योपैथ में कोरोना के इलाज का दावा कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, मैंने देखा। और सबसे बड़ी चीज कि बहुत सारे ऐसे मैंने दवाओं को देखा जो सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बनी हुई है, होम्योपैथ की दवाइयां जो ये दावा कर रही है कि इससे कोरोना को सफल इलाज
किया जा सकता है कोरोना का, कितना इसमें सच्चाई है, आपकी इसमें क्या राय है, क्या वाकई में ये दवाइयां कारगर हैं तो कौन सी दवाइयां हैं? निश्चित तौर पे होम्योपैथ से कोरोना का जंग जीता जा सकता है। अच्छा, परंतु मैं इसमें रोकना चाहूंगा जी कि जो सोशल मीडिया पे जो होम्योपैथ की दवाओं का प्रचार या जो वायरल हो रहे हैं कि इस दवा को लेने से ये मुझे, जैसे अभी पहले एस्पिडो स्पर्मा क्यू की देखा होगा जी, आपने सोशल मीडिया पर काफी जो है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए, निश्चित तौर पे उससे जो है कि बेहद लाभ है। अच्छा, परंतु जो है कि इसको आप सोशल मीडिया पे देख के इसका सेवन ना करें, अपने नजदीकी चिकित्सक से सलाह से ही जो है कि इस दवा को शुरू करें। केवल एस्पिडो स्पर्मा क्यों ही नहीं, इसके साथ जो है कि आपके शरीर की बनावट और आपकी लक्षणों के अनुसार और भी सारी दवाएं हैं जो कि उस दवा के साथ देने से प्रारंभिक लक्षण जब से शुरू होते हैं तब से ही दिया जाए तो निश्चित तौर पे कोरोना का जंग होम्योपैथ से जीता जा सकता है। लोगों में ये निगेटिविटी और तमाम तरह के साइकोलॉजिकली जो है एक प्रेशर है, एक दबाव है, कोई ऐसी दवा जिसको हम लेकर जो है उस प्रेशर को कम कर सकें? जैसे अगर आप मानसिक तनाव की बात कर रहे हैं, हमें जहां तक लग रहा है जी, मानसिक तनाव, जैसे हम सुबह से शाम तक न्यूज जैसे फेसबुक ऑन करते हैं, व्हाट्सएप ऑन करते हैं, कोई मित्र चला गया, कोई सगा संबंधी चला गया, तो ये एक ना चाहते हुए भी मानसिक तनाव हो जाता है। बिल्कुल, इसमें नींद भी नहीं आना और तमाम सारे और भी लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसे हमारे होम्योपैथ में आप कालीफास 6x की शक्ति की आप जो है कि 4 गोली सुबह दोपहर शाम, या बहुत कम है तो रात के सोते समय 4 गोली का सेवन आप करते हैं तो आपको बेहतर लाभ मिलेगा जी। और इसके साथ आप योग और प्राणायाम जरूर करें जी, बिल्कुल ठीक है। और सुबह शाम आप अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखें जी, तो निश्चित तौर पे आप जो है कि तनाव से मुक्त। बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है ये कि हम जानते हैं कि हाँ मानव शरीर में जो है इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है जी, रोगों से लड़ने का। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आजकल मार्केट में तमाम नुस्खे, तमाम ऐसी दवाइयां देखने को मिल रही हैं, कोई काढ़ा पी रहा है तो कोई नींबू का रस पी रहा है, ऐसे बहुत सारे जो है नुस्खे और दवाइयां बाजार में धड़ल्ले से बिक रही हैं। कितनी सच्चाई है, क्या ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में ये दवाइयां कारगर हैं, और यदि हाँ तो कैसे, और क्या होम्योपैथ में ऐसी कोई दवाइयां हैं जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में कारगर हैं, या फिर ये मार्केट में जो दवाइयां मिल रही हैं ये कितनी असरदार हैं, कृपया दर्शकों को हमारे बताएं। नैयर जी, ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है जी, और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो मार्केट में जो दवाइयां या जो कंपनियां दावा कर रही हैं कि इस दवाई से इम्यून मजबूत होता है जी, तो वो कितनी कारगर है उसके बारे में कह पाना मुश्किल है जी। और मैं तो अपने दर्शकों से ये बताना चाहूंगा कि अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाना है तो आप स्वयं इसको कर सकते हैं अपने खान पान और दिनचर्या जी जी बिल्कुल। ये जो बेसिकली है क्या कि खान पान पर हम ध्यान दें, जैसे मतलब खान पान और दिनचर्या, विटामिन सी और तमाम ऐसी दवाइयां ये सब हम पी रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हम किस तरह की डाइट ले रहे हैं। अगर हम अच्छा सुपाच्य भोजन करें तो हमको जो चीजें उनसे मार्केट में बिक रही दवाइयों से मिलना है वो हमें बेहतर खान पान से मिल सकता है। अब आप देखिए विटामिन सी दिन भर में लोग इतना साइकोलॉजिकल हो गया है कि 100 टैबलेट खा ले रहे हैं, बिल्कुल सर। लेकिन वही तो विटामिन सी आपके नींबू में, आंवला में, इन सब में मिल रहा है, तो आप उनको अपने डाइट में शामिल करिए जी। कुछ जो है कि आप फाइबर युक्त भोजन करें जी, जैसे कि दलिया वगैरह का सेवन कर लें, दूध के साथ हल्दी का सेवन कर लें जी। लेकिन इसमें अगर जो है कि अगर आपको अपच की समस्या रहती है तो दूध के साथ हल्दी का सेवन ना करें, ठीक है। इसके साथ उबली हुई सब्जियां और ये सब का भी आप सेवन कर सकते हैं जी। और दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार करना बहुत जरूरी है आपकी इम्यूनिटी के लिए, कि आप जैसे कि अभी पिछले उत्तर में मैंने बताया कि योग करना बहुत ही आवश्यक है। अगर इम्यूनिटी की आपने बात करी तो हमारे होम्योपैथ में कुछ मेडिसिन हैं जो इम्यून सिस्टम को हमारे मजबूत करती हैं, जैसे हमारे यहाँ एक जेलसीमियम करके मेडिसिन आती है, जेलसीमियम और वेनेडियम मेटेलिकम है, वेनेडियम मेटेलिकम जी। और इसके अलावा जो है कि
आर्सेनिक एल्बम आपने पहले सुना ही होगा कि भाई पिछले वेव में काफी आर्सेनिक एल्बम ने काम भी किया था पहले वाले वेव में, जी बहुत अधिक बूस्टअप के रूप में हमारी सरकार के द्वारा भी इसको किया गया था। इन सब दवाओं को आप चिकित्सक के सलाह से आप ले सकते हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए, और उम्मीद है कि दर्शक आपकी बातों को सुनकर बहुत बहुत